पीसीएम दुष्यंत चौटाला के पीएसओ के नाम पर ठगी का मामला सामने आया। पीएसओ की प्रोफाइल फोटो लगाकर पैसों की डिमांड की गई। पीएसओ राम प्रकाश सांगवान ने इस बाबत पुलिस को शिकायत दी। अज्ञात आरोपियों पर ठगी का मामला दर्ज कर लिया गया। गुरुग्राम पुलिस अब इस मामले की जांच में जुटी हुई है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर के नाम पर लोगों को मैसेज भेजकर रुपए मांगने का मामला सामने आया और इस बारे में जब पीएसओ को पता लगा तो उसने साइबर थाना वेस्ट पुलिस को शिकायत देकर केस दर्ज कराया। पुलिस को दी गई शिकायत में राम प्रकाश सांगवान ने बताया कि वो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का पीएसओ है। उन्हें जानकारी मिली कि एक व्यक्ति द्वारा व्हाट्सएप पर उनकी फोटो लगाई हुई है, उनके सभी दोस्तों और रिश्तेदारों को मैसेज कर रुपयों की मांग की गई और इसके कारण उनकी छवि खराब हो रही है। हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर की व्हाट्सएप पर फोटो लगाकर उनके दोस्त और रिश्तेदारों को शातिर ठग ने पैसे मांगने का मैसेज भेज दिया और जैसे ही पीएसओ को इस बारे में पता चला तो उन्होंने तुरंत गुरुग्राम स्थित साइबर थाना वेस्ट में आईटी एक्ट के तहत अपना केस दर्ज कराया। हालांकि पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। राम प्रकाश सांगवान ने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई और ये बताया कि वो डिप्टी सीएम के पीएसओ हैं। उन्हें पता चला कि एक नंबर पर उनकी फोटो व्हाट्सएप प्रोफाइल पर लगाई हुई है और उनके रिश्तेदारों और दोस्तों से पैसे मांगने के मैसेज भेजे जा रहे हैं जिससे उनकी छवि खराब हो रही है। गुरुग्राम से इस वक्त की बड़ी जानकारी, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के पीएसओ के नाम पर ठगी का यह मामला सामने आया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजेश, जानना चाहेंगे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर के नाम पर लोगों को मैसेज भेजकर रुपए मांगने का मामला जो है वो सामने आया, इस खबर पर क्या कुछ अपडेट है आपके पास राजेश? जी बिल्कुल, ये गुड़गांव का मामला है और गुड़गांव में एक अन्य व्यक्ति ने जो राम प्रकाश जो पीएसओ था उसका दुष्यंत चौटाला का उसका प्रोफाइल फोटो जो आपने व्हाट्सएप पे लगा के अन्य किसी व्यक्ति के नाम पर पैसे मांगे गए जिसमें उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट दी है और उसे मामला दर्ज कर लिया गया है। जानना चाहेंगे राजेश, जिस तरह से आपने बताया कि राम प्रकाश सांगवान ने पुलिस को अपनी जो शिकायत है वो दर्ज करा लिया है और ये बताया है कि डिप्टी सीएम के पीएसओ हैं, इस बाबत किस तरह से उन्हें जानकारी मिली, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? देखिए, जैसे ये मामला उजागर हुआ है पुलिस तुरंत हरकत में आ गई और इस मामले की पूरी तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है और पुलिस का यही कहना है जल्द से जल्द इससे जो ठगी का मामला इससे पर्दा उठा दिया जाएगा और आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उससे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी राजेश, गुरुग्राम स्थित साइबर थाना वेस्ट जो है उसमें आईटी एक्ट के तहत केस को दर्ज कर लिया गया है, पुलिस आगे इस मामले में किस तरह से जांच करेगी? देखिए, पुलिस बिल्कुल बिल्कुल बारीकी से जांच करी है, एक एक चीज खंगाल रही है और किसने ये प्रोफाइल फोटो लगाया था और इसमें कितने लोग शामिल हैं और कितने की ये ठगी, मतलब ये पूरा कॉन्टेक्ट किससे इससे तार जुड़े हैं, पूरे इसमें छानबीन में लगी हुई है। जी ठीक है, धन्यवाद राजेश तमाम जानकारी देने के लिए। तो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर के नाम पर लोगों को मैसेज भेजते हुए रुपए मांगने का मामला सामने आया। पीएसओ राम प्रकाश सांगवान ने पुलिस को इस बाबत जानकारी दी और शिकायत दर्ज कराई। अज्ञात आरोपियों पर अब ठगी का मामला दर्ज हो चुका है।